अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर हसन है। मैं अलकायम फाउंडेशन BDSL पे आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। जैसे कि मैंने बात की थी ग्रुप में कि मुझे आप लोग क्वेश्चन सेंड किया करें, मैं उनका जवाब आपको जो है वो वीडियो बना के दिया करूँगा। मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं, मैं उनके आपको आंसर्स करना चाहूँगा। असद साहब हैं अटक से, उन्होंने सवाल किया है कि जी मेरी बच्ची थैलेसीमिया मेजर की पेशेंट है, 4 साल उसकी उम्र है और उसको एंटीबॉडीज़ का इशू आ रहा है। उसको जब भी ब्लड लगता है उसको जो है वो मसला बन जाता है, या उसको फीवर हो जाता है, या उसको जो है कोई बॉडी पेन या इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं। जो थैलेसीमिया मेजर का बच्चा वो जिसको इस तरह का इशू आता है, उसमें सबसे पहली बात यह है कि उसका ग्रुप पता होना चाहिए। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि इस बच्ची का जो ब्लड ग्रुप है वो ए नेगेटिव है। ए नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है उसमें होता क्या है, ए जो ग्रुप है पाकिस्तान में सिर्फ हम लोग ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव तक जानते हैं, हालांकि ए के जो सब ग्रुप्स हैं वो A1 से लेके A20 तक हैं। अब हो सकता है कि A1 जो है उसको लगता है, या A2 लगता है, या कोई दूसरा उसको लग रहा है तो उसकी वजह से उसको जो है वो आ रहा है। दूसरा, उसमें एंटीबॉडीज़ वो अगर कह रहे हैं कि इसमें एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हैं, तो वो क्या उन्होंने वो एंटीबॉडीज़ देखी, उनका नाम क्या है। अगर वो मोस्टली जो ए में आता है वो एंटीकेल एंटीबॉडीज़ आती हैं, जिसको अदर ब्लड ग्रुप्स कहा जाता है। बेसिकली 13 डिफरेंट सिस्टम्स हैं जिनसे हम ब्लड ग्रुप्स को जो है वो मैयर कर सकते हैं कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप है। सबसे ज़्यादा जो रूटीनली यूज होते हैं वो दो होते हैं, एक ABO और दूसरा RH। ABO में हम बताते हैं कि जी ग्रुप ए है, बी है या ओ है, और RH में बताते हैं कि ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब इसमें इशू ये है कि सबसे पहले जो ये बच्ची का जो इशू आ रहा है, एक तो इसको कोशिश करें कि 5 से 7 बैग ले के उनके साथ क्रॉस मैच करके देखें, और इस बच्ची का ग्रुप देखें कि इसका A1 है, A2 है, कौन सा है। दूसरा, उसमें देखें कि एंटीकेल एंटीबॉडीज़ हैं या दूसरी एंटीबॉडीज़ हैं, कोई भी नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़, वो देखें कि वो कौन सी हैं। वो जो एंटीबॉडीज़ आती हैं पता चलता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करेंगे। जब तक उसकी एंटीबॉडीज़ का पता नहीं चलता, इस बच्ची को 2 तरीके आपने करने हैं। एक तो आप ऐसा करें कि इसको वॉश्ड पैक्सल दें, कम से कम 3 टाइम वॉश करें, और उसकी बॉडी के लिहाज से 15 से 20 ml पैक्सल पर kg वेट के हिसाब से आप इसको दें। दूसरा, आप ये करें कि अगर जो है वो आप 3 टाइम वॉश कर रहे हैं, हर दफ़ा नई नॉर्मल स्लाइन 100 ml की लगाएं, उसके साथ उसको वॉश करने के बाद उसको डिस्पोज ऑफ करें, फिर 3 दफ़ा करने के बाद, 3 दफ़ा वॉश करने के बाद 4थी जो नॉर्मल स्लाइन ऐड होगी वो उसमें ऐड करें, या डेक्सट्रोसिलाइन भी ऐड कर सकते हैं। अगर डेक्सट्रोसिलाइन ऐड कर सकते हैं तो उससे क्या होता है कि उसकी जो लाइफ है सेल्स की वो इंक्रीज़ हो जाएगी, आपके बच्चे पे पॉजिटिव इफेक्ट आएगा जब 4थी दफ़ा आप डेक्सट्रोसिलाइन ऐड करेंगे। जो इसमें एंटीबॉडीज़ का इशू है, फिर आप अगर जो है वो सेफ साइड में जाना चाहते हैं, एक तो वॉश करवाएं, वॉश करवाने के बाद आप जो है वो जिसे कहते हैं ना कि जो होती हैं WBC रिडक्शन फिल्टर्स होते हैं, आप वो यूज़ करें। अनफॉर्चुनेटली जो WBC रिडक्शन फिल्टर्स जो हैं वो बहुत कॉस्टली हैं, और वो हर बंदा हर ट्रांसफ्यूजन पे अफोर्ड नहीं कर सकता। इसका जो बेस्ट वे होता है कि या तो हम इनको जो है वो वॉश करें, वॉश करने के साथ जो है उसके बाद हम इसको जो ब्लड इरेडिएटेड जो मशीन होती है उसके अंदर इसको रखा जाए 15 से 20 मिनट, ताकि जितने एंटीजेंस हैं वो सारे डीएक्टिवेट हो जाएं, तो बेस्ट तो ये है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली आगा खान और शौकत खानम के पास पॉसिबल है, उसके अलावा किसी के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए, जैसे ही आ जाती है तो इंशाल्लाह हम इसको फिर जितने भी पेशेंट्स होंगे उनको ये मसला इनका हल कर लेंगे। दूसरा, इसके फादर से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो मुझे सेंड करें इस बच्ची की सारी रिपोर्ट्स जिसमें इसकी एंटीबॉडी डिटेक्शन हुई है। मैंने एंटीबॉडी जो है वो देखनी है कि कौन सी एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर इंशाल्लाह मैं बच्ची को ट्रीटमेंट करूँगा, वो बच्ची ठीक हो जाएगी। दूसरा हमारा सईद खान है कराची से, क्या MDS हमारी मौरूसी बीमारी है, जिस तरह थैलेसीमिया मेजर मौरूसी बीमारी है। MDS माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम जो है ये बेसिकली जिसे कहते हैं बच्चों में ही पैदाइशी तौर पे ये होती है। आप इसको, इसमें 2 जो है ना वो वेटेज आते हैं, एक वेटेज आ रहा है कि ये मौरूसी है, दूसरा ये होता है कि ये एक्वायर्ड है, ठीक है। इसमें कुछ बच्चों में ये देखा गया है कि वो जब पैदा हुए तो विद इन 4 to 5 months जो है वो जैसे ये पियर हुआ तो उनको हो गया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनमें
इसके जो है वो इशू तो होता है, म्यूटेशन आ जाती है कोई किसी भी क्रोमोसोम में, तो उसके बाद एमडीएस डेवलप हो जाता है। मोस्टली बच्चों में ये एक्वायर्ड है, ठीक है। ओनली 5 to 10% बच्चों में इसको कहा जाता है कि जी ये जो है ये कॉन्जेनिटल है, लेकिन एज अ होल अगर देखा जाए तो ये कॉन्जेनिटल नहीं, इसको एक्वायर्ड ही कहा जाता है। ये कोई वायरल इन्फेक्शन होता है बच्चे को, उसकी वजह से जो उसके प्रिकर्सर सेल्स हैं, जो उसके जिसको कहा जाता है स्टेम सेल्स हैं, उनके ऊपर जो है वो नेगेटिव इफेक्ट आता है, उसमें जो है वो डिस्प्लेसिया हो जाता है, वो सेल्स बनना बंद हो जाते हैं। अगर बनते भी हैं तो बहुत कम मिकदार में बनते हैं और वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। सैयद अज़हर अली साहब जो है उन्होंने रावलपिंडी से, इन्होंने एक क्वेश्चन किया है कि जी सर ब्लड के सब ग्रुप को डिटेल में बता दें ताकि थैलेसीमिया के बच्चों को पता चल सके कि रिएक्शन क्यों होते हैं। बेसिकली रिएक्शन जो हैं वो तीन वजह से होते हैं, एक तो जो सब ग्रुप्स होते हैं उनकी वजह से, दूसरा जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं उनकी वजह से, और तीसरी जो चीज़ है वो क्या है कि इनकम्पैटिबल ब्लड की वजह से। हमारा मोस्टली सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हमारे जो हॉस्पिटल लैब्स हैं वहाँ पे होता ये है कि बस ए बी ओ ग्रुपिंग की जाती है, उसके बाद ब्लड इशू कर दिया जाता है, हालांकि ये सबसे बड़ी जो है वो गलत बात है। अभी जो है वो बड़ी अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं, आप उस पर आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इसको आपने करना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे का ग्रुप क्या है। अगर ए है तो ए में A1 से लेके A20 तक सब ग्रुप्स हैं। अगर बी है तो बी में सिर्फ दो जो है वो सब ग्रुप्स हैं, जिसको BX और BM कहा जाता है। अब BX और BM का पता करें, अगर किसी का AB है तो उसमें A1 BX हो सकता है, A1 BM हो सकता है, या A2 BX हो सकता है, या A20 जो है वो BX BM, इसमें से वो किसी भी नंबर पे आ सकता है। सबसे ज़्यादा रिएक्शन होते हैं ए वालों को या AB वालों को, और उसके बाद बी वालों को। सबसे कम रिएक्शन होते हैं ओ को। वजह कि इनकी सब ग्रुप्स ज़्यादा हैं, उनके उसका सब ग्रुप्स नहीं है। अब सब ग्रुप्स जो हैं उसमें जो है वो बेसिकली ये डिफरेंट जो आप कह सकते हैं कि ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं उनमें हम इसको करते हैं, जैसे एंटीकेल है, डफी है, ठीक है। इस तरीके से 13 डिफरेंट सब ग्रुप सिस्टम्स हैं जिनके ज़रिए हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा केल और डफी जो है वो अडॉप्ट किए जाते हैं आफ्टर जो है वो RH और ABO ब्लड ग्रुप है। दूसरा जो रिएक्शन मैंने बताया था प्लाज्मा प्रोटीन्स, जो ब्लड हम ट्रांसफ्यूज कर रहे होते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, जो कि जब जाती हैं तो वो बॉडी जो जो उसको रिसीव कर रही होती है वो उसको एज ए एंटीजन लेती है, तो उसके अगेंस्ट वो जो है वो एनाफिलेटिक या जो है जिसे कहते हैं आप फिब्राइल रिएक्शन कर देगी, या तो उसको एलर्जी होगी और या फिर उसको बुखार हो जाएगा या उसकी कमर में दर्द होगा ज़्यादा, तो वो प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से होगा, ठीक है। उसके अलावा जो है आप जो तीसरा रिएक्शन, अगर ABO इनकम्पैटिबिलिटी है, अगर कोई बंदा प्रॉपर तरीके से वो उसको पता ही नहीं है कि ग्रुपिंग कैसे करनी है या इसको कैसे देखना है, तो वो ग्रुपिंग करके तो दे दे तो उसके बाद वो जब देखेगा कि जी ये ग्रुपिंग जो है उसको तो लगेगी ठीक है, उसने क्रॉस मैच सही नहीं किया, तो उसमें जब भी वो ब्लड किसी को ट्रांसफ्यूज करेगा उसको रिएक्शन होगा। जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं इसमें डिलेड ट्रांसफ्यूज रिएक्शन होगा, काफ़ी देर के बाद जाके होगा। मसलन अब ब्लड लगवा के घर आ गए तो विद इन 24 to 72 आवर्स आपको रिएक्शन हो सकता है। जो प्रॉम्प्ट रिएक्शन है उसमें बुखार सबसे पहले होगा या एनाफिलेटिक रिएक्शन होगा, ठीक है। ये जो रिएक्शन एनाफिलेटिक रिएक्शन इतना जालिम होता है कि ये बच्चे की जान भी ले सकता है, इसको आपने बड़ा ध्यान से देखना है। आप जहाँ जहाँ से ब्लड लगवाते हैं उन्हें बोले कि आपके सब ग्रुप्स करें, ठीक है, और वो सब ग्रुप्स का आपको पता होना चाहिए। अभी कराची में जो है वो हुसैनी वाले जो है वो बड़ा काम कर रहे हैं सिलसिले में, उन्होंने बड़ा जो है वो अपने सब ग्रुप सबसे पहले पाकिस्तान में उन्होंने स्टार्ट किए थे, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट की थी। जिन बच्चों को ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन बार बार हो रहे हैं उन्हें चाहिए कि दो टेस्ट, एक तो कूम्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और दूसरा एंटीबॉडी स्क्रीनिंग जो है और एंटीबॉडी जो टाइटर है वो ज़रूर करें, ताकि पता चल जाए कौन सी एंटीबॉडी है और उसको किस तरीके से हमने मैनेज करना है। कुछ हमारे पास मेडिकेशंस होती हैं जिससे हम उनको मैनेज कर सकते हैं, वो मेडिसिंस भी हम यूज़ कर सकते हैं, या उनके प्लाज्मा एफरेसिस हम कर सकते हैं, उससे भी उनका एंटीबॉडी टाइटर कम हो जाता है,
तो उससे भी हम बच्चों को बेहतरी उनके अंदर लेके आ सकते हैं। बीएमटी करवाने से पहले कौन कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं, ये भी असद साहब ने कराची से ये क्वेश्चन किया। बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाने से पहले सबसे पहले तो आपके पास बच्चे का एको होना चाहिए, जिसको आप सब जुबान में इको कहते हैं, एको का टेस्ट हो। उसमें अगर उसकी कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो कह दे कि जी ये ओके है, इसका ट्रांसप्लांट हो सकता है, तो वो उसका एनओसी होना चाहिए। दूसरा उसका जो है वो लिवर, उसमें फाइब्रो लिवर स्कैन होना चाहिए। तीसरा उसका HLA मैचिंग होना चाहिए। चौथा उसका हेपेटाइटिस बी सी HIV नेगेटिव होना चाहिए। पांचवा उसका LFTs नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। और सबसे जो लास्ट में है वो उसका HLA मैचिंग या टिश्यू मैचिंग होना चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए इसकी मैचिंग किस से हो रही है। उसके बाद फर्दर प्रोसीजर चलता है। कराची से उनका सवाल एक और है कि जी मेरा बेटा 6 साल का है, उसको उसका फेरिटिन लेवल 800 है और डॉक्टर्स ने HB लेवल 7 पॉइंट पर रखा हुआ है, इसकी BMT कराई जा सकती है? उसका बिल्कुल BMT कराया जा सकता है अगर उसका फेरिटिन लेवल 800 है। तो 800 लेवल 800 पे अगर वो उसकी एज जो है वो जो आप कह सकते हैं कि 6 साल है, तो ये तो आइडियल सिचुएशन है, इस पर उसका करवा सकते हैं। अगर उसकी HB7 पे मेंटेन हो रही है तो इसका मतलब है वो मेडिसिन ले रहा होगा हाइड्रोक्सी यूरिया। हाइड्रोक्सी यूरिया पे आप उसकी किडनी, उसका उसका लिवर और उसका हार्ट ये देखें। अगर उसके ये टेस्ट नॉर्मल आ जाते हैं तो इंशाल्लाह उसका कोई इशू नहीं, हम उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। जब भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना है आपने हार्ट की उसका चेकअप कराना है, उसके साथ आपने जो है वो गुर्दों का चेकअप करवाना है, उसके साथ आपने लिवर फाइब्रो स्कैन कराना है, ठीक है, साथ में HLA मैचिंग करानी है। इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। अगर वो फुल मैच है तो फिर तो ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन अगर वो हाफ मैच है या हाइप्लो आइडेंटिकल मैच है तो उसमें जो है वो आप उसको DSA डोनर स्पेसिफिक एंटीबॉडी टेस्ट वो आप करवाएंगे। डोनर स्पेसिफिक एंटीबॉडी टेस्ट जो है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है और यही बेस करता है हैप्लो आइडेंटिकल बोन मैरो ट्रांसप्लांट पे। अगर ये ज़्यादा होगा तो वो फेलियर में चला जाएगा बच्चा, उसका बोन मैरो फेल हो जाएगा, वो जो एक्सपेंसेस आपने किए होंगे वो भी वेस्ट होंगे और जो आप कह सकते हैं कि बच्चे को भी तकलीफ होगी और डोनर को भी तकलीफ होगी। अगर उसका DSA नॉर्मल है तो उसको उसके लिए बहुत बेहतर होगा। एक बात जो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, कोशिश ये क्या करें कि आप अपने बच्चे के लिए 8 से 10 डोनर रिजर्व रखें। आज आपको एक डोनर ने दिया ब्लड, 20 दिन बाद या 25 दिन बाद आपको दूसरे डोनर ने दिया, फिर अगले महीने जो है वो आपको तीसरे डोनर ने दिया, फिर उसे 20 दिन बाद चौथे डोनर ने दिया, फिर इस तरीके से जब छठे पे बारी जाएगी ना तो फिर पहले वाला तैयार हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि आपके बच्चे में एंटीबॉडीज कम से कम बनेंगी, आपके बच्चे का जो फॉरन जो एंटीजन है उससे एक्सपोजर कम से कम होगा, क्योंकि जो एंटीजन ऑलरेडी उसके अंदर जा चुका है वो उसके अंदर दोबारा जो है ना वो जाएगा, उससे उसको मसला नहीं होगा, उसमें मल्टीपल एंटीबॉडीज नहीं होंगी, उसमें जिसे कहते हैं लिमिटेड नंबर ऑफ एंटीबॉडीज होंगी। जो लोग अपने बच्चों का ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वो एज अर्ली एज पॉसिबल वो ट्रांसप्लांट करवाएं। इसमें जो बेस्ट एज होती है वो 3 to 5 years है, 3 years पे 100% है, 5 years पे 90% है, और उसके बाद जो है वो आप कह सकते हैं कि 5 years के बाद अगर बच्चे की कंडीशन बेहतर है तो ठीक है, अगर उसका DSA नॉर्मल है तो ठीक है वो करवाएं। अदरवाइज उसका अगर DSA 6000 से अबव आ जाता है तो कभी भी बोन मैरो की तरफ ना मूव करें। बहुत शुक्रिया, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जो है वो क्लिक करें, ताकि मेरी जो भी वीडियोस अगली आए वो आपको पता चल सके, और जो भी आपके कमेंट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखें। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि हम अपना जो ये हम डेली की बेसिस पे इंशाल्लाह करेंगे कि जो जो हमारी वीडियोज़ होंगे हम डेली अपलोड करेंगे, ताकि जो आपके क्वेश्चंस हैं उनका आपको आंसर मिल सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।